गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्विजिशन से रिलेटेड असाइनमेंट्स पे हम बात कर रहे थे, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा सेक्शन फर्स्ट होता है उसमें जो वन वर्ड आंसर होते हैं या एक लाइन के जो आंसर होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। वो सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे अबाउट उन सब क्वेश्चंस के बारे में जो सेकंड पार्ट में पूछे जाते हैं, मीन्स जिनके आपको 50 वर्ड्स में जिनका हमको आंसर देना होगा, 50 शब्दों में उसका आंसर देंगे। तो जनरली उसके बारे में कुछ डायग्राम पूछा जा सकता है या कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर कोई स्टेम का है, रूट का है, लीफ का है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो आज हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उन क्वेश्चंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है इक्वेसिटम की। जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेसिटम, आप जानते हैं, कैसा प्लांट होता है, ऐसा प्लांट जिसमें ज्वाइंट बॉडी है जो नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड है और बीच बीच में क्या है, सेमी डॉटेड डिपोजिशन की वजह से रिजेस एंड ग्रोव्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो धारियां बनती है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस नोड में आप देख रहे हैं यहाँ पर है, अगले नोड में यहाँ पर होगी, अगले नोड में फिर इस जगह पे होगी, ये होता है। और यहाँ पर इस तरह से लीव शीट का फॉर्मेशन होता है। लीव्स नॉन फंक्शनल होती है, काम नहीं करती है, उनके बजाय जो है फोटोसिंथेसिस का काम भी स्टेम द्वारा किया जाता है। और दूसरा रिप्रोडक्शन का जो होगा, मीन्स जो स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, बेयरिंग होती है, वो भी विशेष संरचना द्वारा की जाती है जिसे हम इस तरह स्पोरेंजियम फोर कहते हैं। उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। पिछली बार जब हमने बात करी थी, मैंने आपको इक्विस्टम बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि इसके हम सेक्शन स्टेम का जो काटते हैं तो दो तरीके से उस स्टेम का सेक्शन काटा जा सकता है। एक सेक्शन का आप यहाँ से काट रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, मीन्स इंटर नोडल रीजन से। आप देख रहे हैं कि इंटर नोडल रीजन से जब सेक्शन काटेंगे तो क्या होगा। और दूसरा सेक्शन यहाँ से काटा जा सकता है इस जगह से, आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ से। मैंने आपको बताया था कि इंटर नोडल रीजन से और नोडल रीजन से जब सेक्शन काटा जाता है तो उसके बारे में उसमें भी फिर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। तो एग्जाम में जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, तने का आंतरिक संरचना, ट्रांसवर्स सेक्शन आप जब काटते हैं तो आपको कैसे दिखती है, और वो भी कहां से, इंटर नोडल रीजन से। ये जो पर वाला पार्ट है या फिर बीच का जो पार्ट है वहां से अगर इसका सेक्शन काटा जाए तो वो कैसा दिखाई देता है। तो वो मैंने आपको बताया था कि जब सेक्शन इसका जब काटा जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है वो क्या है कि ये जो डायग्राम होगा, आउटलाइन होगा, ये हमेशा कैसा होगा, वेवी होगा। वेवी मीन्स ऐसा होगा जिसमें उबार होगा, फिर खांच होगा, फिर उबार होगा, खांच होगा, ये सर्कुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये रिजेस प्रेजेंट है और इनकी वजह से क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर जब खांच होगी फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो आउटलाइन हमेशा आपको ध्यान रखनी है इस तरह की होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी होती है इसके आंतरिक संरचना में, जो आउटर जो अपना कॉर्टेक्स है वो कॉर्टेक्स दो तीन पार्ट्स में डिवाइडर है। आउटर कॉर्टेक्स जो होगा, जो हमेशा न्यूक्लियस के नीचे, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको हमेशा यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमस पार्ट दिखाई देगा, मीन्स वो पार्ट जो कि स्क्लेरेंकाइमस का बना हुआ है, जो कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेंकाइमस कॉर्टेक्स जस्ट बिलो, जिसको हाइपोडर्मिस हम कहते हैं, कहाँ पे, इस इक्विसिटम के रिजिस के नीचे, जहां जहां बाहर है उनके नीचे आपको यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्क्लेरेंकाइमस कॉर्टेक्स, बाहर वाला कॉर्टेक्स है जो स्क्लेरेंकाइमस सेल्स का बना हुआ है। और इन स्क्लेरेंकाइमस सेल्स के रिजिस के बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ओपनिंग्स दिखाई देंगी, और इन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, क्योंकि स्टेम का काम भी, फोटोसिंथेसिस का काम भी स्टेम कर रहा है। तो जो गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लिया जाएगा, CO2 लिया जाएगा और ऑक्सीजन दिया जाएगा, वो भी यहाँ पर इस ओपनिंग के थ्रू होगा। तो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, दो रिजिस के बीच में, संकन पार्ट है, यहाँ पर आपको स्टोमेटा दिखाई दे।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में याद रखने की थी, मैंने बताया था जब इसका स्ट्रक्चर डायग्राम आप बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ये देखिए ये बड़ा बड़ा फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, ये क्लोरेनकाइमा है। क्लोरेनकाइमा का स्ट्रक्चर है क्योंकि इसके अंदर हम क्या देखेंगे, हमको क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे लाइक दिस। ये देखिए दिस इज क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो क्लोरेनकाइमा सेल्स का बना हुआ, मींस उन कोशिकाओं का जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो इस क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स द्वारा किया जाता है। फिर होता है इंटरनल कॉर्टेक्स का पार्ट जिसमें सिंपल पैरेनकाइमा सेल्स हैं। आप देखेंगे आपको इस तरह के खूब सारे पैरेनकाइमा सेल्स दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है वो याद रखने के लिए है कि इन पैरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर आउटर कॉर्टेक्स है और इनर कॉर्टेक्स है, उसके अंदर आपको बड़ी बड़ी कैविटीज दिखाई देगी यहाँ पर, और कैविटीज की पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि हर खांच के नीचे आपको इस तरह से एक कैविटी दिखाई देगी लाइक दिस, और इस कैविटी को हम कहते हैं वेलिक्यूलर कैनाल, प्रेजेंस ऑफ वेलिक्यूलर कैनाल। वेलिक्यूलर कैनाल तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज एयर कैविटीज इन द आउटर कॉर्टिकल पार्ट, इनर कॉर्टेक्स का जो हमारा पार्ट है वहां पर ये वेलिक्यूलर कैनाल प्रेजेंट होती है। इनकी पोजिशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जहां खांच होगी उस खांच के नीचे ही होगी, ग्रूव के नीचे होगी, हमेशा रिज के नीचे नहीं होगी, तो इसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रेजेंस ऑफ दिस वेलिकुलर कैनाल ये एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जब आंतरिक संरचना का जब हम बात करते हैं, डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे बीच में होगा हमारा क्या होगा, स्टील, और स्टील के सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है पिथ। ये बीच का पार्ट है जो हमेशा पिथ होता है और ये होलो होता है, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आप देखेंगे होलो है इस पिथ की वजह से। यहाँ पर जो हमारा स्टील है वो स्टील जो है वो छोटे छोटे बंडल्स में प्रेजेंट है, तो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, कंप्लीट रिंग नहीं है साइलम और फ्लोएम के जैसे दूसरे टेटोफाइट्स में होता है। और इन वेस्कुलर बंडल्स की पोजीशन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पोजीशन देखेंगे वो आपको इस तरह से दिखाई देगी, हर उभार के नीचे आपको एक आपको एक क्या कहते हैं हमारा वेस्कुलर बंडल दिखाई दे लाइक दिस। ये देखिए और ये हमेशा जो वेस्कुलर बंडल होगा ये कहाँ पर होगा, इस उभार के नीचे। वेलिकुलर कैनाल कहाँ होगी, खांच के नीचे, यहाँ पर ये ग्रुप पार्ट है वहां पे, और यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई देंगे। और इन वेस्कुलर बंडल्स को जब आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, कैसा है वो, यहाँ पे कॉन्जॉइंट कोलेटरल टाइप के वेस्कुलर बंडल्स हैं, ऊपर आपको यहाँ से क्या दिखाई देगा, फ्लोएम दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको जाइलम के पैचेस दिखाई देंगे इस तरह से, बाहर बड़े बाहर की तरफ बड़े वाले प्रोटोजाइलम है, यहाँ पर भी प्रोटोजाइलम मिलेगा अंदर की तरफ, ये सॉरी मेटाजाइलम होगा बाहर की तरफ यहाँ पर, और यहाँ पर प्रोटोजाइलम के पैचेस दिखाई देंगे, और ये हमारा फ्लोएम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यहाँ पर भी ये जो जाइलम का पार्ट है इसके बीच में भी आपको फिर एयर कैविटीज दिखाई देगी, इस तरह से एक एयर कैविटी हमको नजर आएगी, तो जो जाइलम है एक्चुअली बहुत रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस कैविटी, और इस कैविटी को कहते हैं कैराइनल कैनाल, दिस इज नोन एज कैराइनल कैनाल। तो कैराइनल कैनाल की प्रेजेंस ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसके वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो ये आंतरिक संरचना हमको याद रखनी है। और इसकी पोजिशन देखिए, याद रखे ये पोजिशन कहाँ होगी, इसके नीचे, तो कैराइनल कैनाल हमेशा कहाँ होगी, जहाँ रेज होगा मीन्स जहाँ उभार होगा वहां पर होगी, वेलिकुलर कैनाल हमेशा खांच के नीचे होगी, और बीच में क्या होगा, पिथ होगा। तो आंतरिक संरचना की जब बात करेंगे तो ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और इस डायग्राम के द्वारा बताएंगे क्या क्या क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, कैसे क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, कैसे प्रिनर कॉर्टेक्स है जिसमें बड़ी बड़ी एयर कैविटीज है जिनको हमने वेलिकुलर कैनाल कहा था, फिर वेस्कुलर बंडल्स का रिंग के रूप में प्रेजेंट होना जो जिसके ऊपर अपनी क्या होगी, पर आप जानते हैं ये एपिडर्मिस है, दिस इज एंडोडर्मिस जो कॉर्टेक्स और इसको अलग करती है, इसके नीचे आपकी पेरिसाइकल होगी और ये इनर एंडोडर्मिस जो कि पिथ से इसको अलग करती है, तो पिथ बीच में प्रेजेंट होगा हॉलो होगा। तो ये आंतरिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको हमको अच्छे से तैयार करना।
दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है और वो रिलेटेड ये है कि जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर नोड से काटा गया, इंटर नोड से काटा गया तो ऐसा दिखेगा, तो नोड से काटा जाए तो कैसा दिखेगा, मीन्स डिफरेंस बिटवीन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम थ्रू नोड एंड इंटर। जब नोड और इंटर नोड दोनों जगह से आपने अगर सेक्शन काटा तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता। मैंने आपको जो पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस इन नोड और इंटर नोड, अगर दोनों जगह से काटा जा रहा है तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा। तो डिफरेंस जो दिखाई देगा वो डिफरेंस ये दिखाई देगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होगी, जो पिथ होती है वो पिथ हॉलो नहीं होती है। नोड से जब सेक्शन काटा जाता है तो ये जो हमारी पिथ जिसको हमने कहा था इंटरनोड से जब काटा था कि हॉलो थी, इसके बजाय यहाँ पर एक सॉलिड डायफ्राम प्रेजेंट होगी, एक लेयर प्रेजेंट होगी और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नोडल डायफ्राम। तो प्रेजेंस ऑफ नोडल डायफ्राम ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा यहाँ पर। आप देखेंगे जब नोड के थ्रू इसको काटा जाए तो नोडल डायफ्राम का प्रेजेंट होना, नोडल डायफ्राम का प्रेजेंट होना कहां पर, नोड के थ्रू जब काटा जा रहा है सेक्शन को, आप नोड से काट रहे हैं तो डिफरेंस इंटर नोड से जो दिखाई देगा मीन्स जो पिथ होगा वो अब यहाँ पर हॉलो नहीं है, वो सॉलिड होगा, सॉलिड पिथ होगा। तो जहां जहां नोड है वहां वहां ही पिथ ब्लॉक हो जाता है, होलो पार्ट यहीं पर रहेगा, फिर ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, लेकिन जहां है वहां पे ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि देखिए यहाँ से वैस्कुलर बंडल से वहां पर वैस्कुलर बंडल नहीं होगा, जो हमारा जाइलम और फ्लोएम होगा जेंडोडर्मिस है तो वो रेंज के रूप में होगा, जाइलम होगा और इस जाइलम के यहाँ आप देखेंगे आपको फ्लोएम दिखाई देगा इस तरह से। तो जो वैस्कुलर टिश्यू है वो रिंग के रूप में प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू ये जाइलम और फ्लोएम वो रिंग के रूप में प्रेजेंट है, वो वैस्कुलर बंडल्स में नहीं है जब इसको नोड से काटा जाए। तो इंपॉर्टेंट चीज दूसरी और चीज जो हमको याद रखने की है वो याद रखने की है कि यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा। दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो वेलिकुलर कैनाल्स और कैराइनल कैनाल्स हैं ये भी नहीं पाई जाती हैं जब इनको कहाँ से काटते हैं, यहाँ से नोडल रीजन से, नोड से जब काटेंगे तो वेलिकुलर कैनाल्स ये देखेंगे और ये हमारी कैराइनल कैनाल ये दोनों अनुपस्थित होंगी, नहीं मिलेगी आपको। जो पिथ होगा जो कॉर्टेक्स होगा वो सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ दिखाई देगा, द एब्सेंस ऑफ वेलिकुलर कैनाल्स एंड कैराइनल कैनाल्स। और दूसरा इंपॉर्टेंट चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमको याद रखता है कि यहाँ पे देखिए अगर नोड से है तो मैंने बताया था यहाँ से ब्रांचिंग होती है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है इस तरह से, जितने लीफ शीट में लीव्स हैं उतने ही ब्रांचेस का फॉर्मेशन यहाँ से होगा, इस तरह से ब्रांचेस लिख लेगी जो लिमिटेड ग्रोथ और अनलिमिटेड ग्रोथ दोनों तरह की है उसके बारे में हमने बात करी थी। तो ये जब निकलती है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको लीफ ट्रेसेस और ब्रांच ट्रेसेस दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि ये जो रिंग है इस रिंग में यहाँ पर आपको लीफ ट्रेसेस और ब्रांच ट्रेसेस मीन्स वो सप्लाई लाइन जो लीफ में और जो स्टेम में जा रही है, पत्ती बन रही है तो पत्ती को सप्लाई देना वो छोटा होगा, आप जानते हैं लीफ बहुत स्मॉल है रिड्यूस्ड है हाईली तो छोटा आपको दिखाई देगा। दूसरा आपको ब्रांच ट्रेसेस भी दिखाई देगी, ब्रांच ट्रेसेस बड़े बड़े और छोटे छोटे लीफ ट्रेसेस हमको दिखाई देते हैं जब हम उसको नोडल रीजन से काटते हैं। तो नोडल और इंटर नोडल रीजन से जब काटा जाता है मेन चीज याद रखने की एक तो नोडल डायफ्राम प्रेजेंट होगी नोड के ऊपर जो इंटर नोड पे नहीं होती है वहां पे वो हॉलो होता है, यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू जो होगा नोडल रीजन पे वो रिंग के रूप में होगा और वहां पे इंटर नोड पे जब हम जाएंगे तो वहां पर वो कैसा होगा, वैस्कुलर बंडल्स में डिवाइडेड होगा, छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स वहां पर प्रेजेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज वेलिकुलर कैनाल और कैराइनल कैनाल एब्सेंट है वो नहीं पाई जाती, और चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेसेस लीफ ट्रेसेस और ब्रांच ट्रेसेस का प्रेजेंट होना मीन्स लीव्स और ब्रांचेस बन रही है उसको भी जो सप्लाई लाइन जाएगी उसको हम कहते हैं ट्रेस, आप जानते हैं उन ट्रेसेस का
फॉर्मेशन, वो ट्रेसेस जो बनती हैं वो प्रेजेंट आपको दिखाई देगी जब हम नोडल रीजन से काटें। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस नोडल और इंटरनोडल रीजन से जब आंतरिक संरचना हम देखते हैं तो उसके बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है, तो उसमें ये आप सारी चीजें लिखें। छोटे क्वेश्चन में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मैंने आपको बताया था कि इक्विसिटम ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर भी है और जियोफिटिक कैरेक्टर भी, मीन्स दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स के भी पादप जो होते हैं जो जल के अंदर रहते हैं उनके कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, और जीरोफाइट्स जो मरुद्भेद होते हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पे पानी की कमी होती है वहां पर भी ये पाए जाते हैं, तो उसके भी कैरेक्टर्स इसके अंदर मिलते हैं।